welcome back to my YouTube channel. This is me, Dr. VK, and this video is going to be very interesting. So watch till the end, क्योंकि आज हमारे चाचा जी लेफ्टिनेंट श्री रमेश चंद यादव जी का रिटायरमेंट सेरेमनी है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल हमारे देश को न्यौछावर कर दिया. तो आज हम उन्हीं के सम्मान समारोह में जा रहे हैं और भगवान से हमारी यही दुआ है कि ऐसा दिन सभी सैनिक के जीवन में आए और सभी खुशहाल रहें. बस ज़्यादा इमोशन बातें न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट. I've been looking out for somebody just like you, but then you walk on by and I knew what I had to do. The way you're moving, the way you should, everybody's watching you. I wanna make you mine.
मरवल के सिया की पावन धरती पर इसी माटी में पले बढ़े और इस माटी का नाम हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में रोशन करके आज अपनी पावन धरती पर जिनका सम्मान रामदीन जी जिला पंचायत सदस्य हमारे बीच में आदरणीय लेफ्टिनेंट साहब का स्वागत करेंगे। पता है इसी क्षेत्र से जिला पंचायत है तो हमारी मेमोरी में है भाई लाल बहादुर यादव आदरणीय लाल बहादुर सिंह जी हमारे बीच में देश ही नहीं प्रदेश ही नहीं देश के बड़े किसान नेता हैं हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। सैनिक सम्मान समारोह में हम उनका स्वागत करते हैं आदरणीय सैनिकों को दुख कहां है। अभी हमारे एक महानुभाव ने बताया कि एक नए नए प्रयोग हो रहे हैं उनके साथ प्रयोग हो रहा है कि जिनके प्रयोग पर पूरा हमारा भारत देश टिका हुआ है उनके साथ प्रयोग हो रहा है कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। कि दुखों हमें अपने पड़ेता राज नेता से है जीत कर जंग तंग हाल रहने का है और 65-71 में लड़कर जीती जंग समझौता ताश गंद जाके करने का है। वाह यही नेता जाकर के सब कहते हैं कि अमर शहीद वीर भगत की जन्मभूमि लेकर तिरंगा फिर लाहौर चलने का है वरना 99 में दुष्ट को खदेड़ कर उनका क्रिया कर्म कारगिल में करने का है। क्या बात वाह और सपना क्या देखता है कि तड़ तड़ चले गोली बंदे मातरम गोली तड़तड़ चले गोली बंदे मातरम बोली बोल के शहीदों का श्रृंगार करने का है कि माँ भारती का कि माँ भारती का श्वेत पट धारिणी माँ कमल विहारिणी माँ मूढ़ता का नाश करे ऐसा ज्ञान दीजिए। वाह वाह शब्द शब्द मृदुता के कोषागार सदृश हो शांति बरसाए ऐसी कंठ तान कीजिए। लाल बल्कि जिनकी शादी हो गई है वो तो जो होना तो हो गया लेकिन जो जिनकी शादी नहीं वो कब्ता ध्यान से सुने जो बियल गया उनके काव कहीं बिन बेहन का समझाई थे अरे हम कविता नहीं सुनाई थे बस जीव के व्यथा बताई थी। बहुत बढ़िया और वो जीव के व्यथा क्या है कि बप्पा तो ब्याह कराए धीरे छह छबीली छोरी से नाचो नक्शा एकदम बढ़िया मतवाली गोरी गोरी से अरे वही अपनी रूप में मस्तानी समझती खुद का महारानी वही सोफा पर यहाँ बैठी है हम बैठे गोर दबाई थे कविता नहीं सुनाई थी। बार सलामी दे दो उन जवान के लिए एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए माँ की गोद हुई सुनी कितने दर्द कितने गए माँ की गोद हुई सुनी कितने दर्द कितने गए कितने विजय यादव
विकास यादव, ये जो डॉक्टर साहब कर रहे थे विकास यादव, बहुत ही आदर सम्मान के साथ सारे लोग पहचानते हैं। मेरा ही दुर्भाग्य था कि मुझे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन में था और अंगार जी ने उसका कारण भी बता दिया कि कारण क्या था। ये क्षेत्र का संभवता एकलौता MBBS है, डॉक्टर है और जिसने विदेश से डॉक्टरी की पढ़ाई करके इसने ये सेवा कर रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे मंच से साहित्यकारों की तरफ से आदरणीय डॉक्टर साहब लेफ्टिनेंट साहब के साथ साथ आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन। आदरणीय डॉक्टर साहब जिंदाबाद। चलिए अंगार जी एक बार। और अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।